तो दोस्तों टीम इंडिया के मैचेस कैसे हो गए, सुपर एट में कौन सी टीम से हो गए, कब हो गए, ये बताने वाला हूँ। साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों कौन सी टीमें सुपर आठ से बाहर हो गई है जो कि बड़ी है, और साथ ही साथ कौन सी टीमों के चांस है जो कि क्वालिफाई हो सकती है। दोस्तों स्लॉट सिर्फ दो रह गए हैं और दोस्तों छह टीमें जो है फिक्स हो गई है T20 वर्ल्ड कप 2024 के सुपर एट के लिए, इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो इस चैनल पर आते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ सुपर आठ की कौन सी टीमें फिक्स है। देखिए दोस्तों यहाँ से जो है दो टीमें जो है वो क्वालिफाई होने वाली है और सिक्स टीम्स जो है वो फिक्स है। अब दोस्तों मैं लेकिन आपको बता देता हूँ कौन सी वो आठ टीमें हो सकती है। सबसे पहले तो इंडिया यूएसए क्वालिफाई हो चुकी है, इसमें कोई शक नहीं है। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड है और इंग्लैंड स्कॉटलैंड में से एक टीम क्वालिफाई होगी, लेकिन मेरे हिसाब से इंग्लैंड होगी, तो मैंने सबसे पहले इंग्लैंड को रखा है। अफगानिस्तान वेस्टइंडीज दोनों टीमें क्वालिफाई हो गई है, साउथ अफ्रीका क्वालिफाई हो गई है और दोस्तों बांग्लादेश जो है मेरे हिसाब से क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों नीदरलैंड का रन रेट कम है और मेरे हिसाब से वो क्वालिफाई नहीं होंगे। दोस्तों आठ टीम्स मैंने आपको बता दी जो कि T20 वर्ल्ड कप 2024 के सुपर एट में हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन दोस्तों ग्रुप वन में और ग्रुप टू में कौन सी टीमें होगी ये मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों ग्रुप वन में जो है मेरे हिसाब से होने वाली है टीमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। ये जो टीमें हैं वो ग्रुप वन में होगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये मेरे हिसाब से फिक्स है, क्योंकि नीदरलैंड क्वालिफाई होगा नहीं। नीदरलैंड अगर क्वालिफाई हो जाता है तो मेरे हिसाब से वो बांग्लादेश की जगह हमें देखने को मिल सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से क्वालिफाई नहीं होंगे तो मैं बांग्लादेश को रख देता हूँ, क्योंकि दोस्तों मैचेस भी इंडिया के फिक्स हो ही गए हैं, तो मेरे हिसाब से यहाँ से कोई चेंज नहीं होगा इस ग्रुप में। दोस्तों ग्रुप टू की अगर हम बात करें तो देखिए दोस्तों यहाँ जो है मेरे हिसाब से टीमें हो सकती है जो दोस्तों मेरे हिसाब से एक तो वेस्ट इंडीज होगी और साथ ही साथ दोस्तों मेरे हिसाब से यूएसए होगी, साउथ अफ्रीका और साथ ही साथ दोस्तों स्कॉटलैंड इंग्लैंड, इन दोनों में से एक टीम खेलेगी और मेरे हिसाब से ग्रुप टू में हमें देखने को मिलेंगी हमें ये टीमें, और मेरे हिसाब से जो है यहाँ से कोई चेंज नहीं होगा। तो मैंने दो ग्रुप्स में जो है चार चार टीमें कौन सी होगी आपको बता दिया। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं यहाँ सेमीफाइनल कौन सी टीमें खेल सकती है। मुझे जैसा लगता है, देखो दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड जो है वो मेरे हिसाब से सुपर एट के लिए क्वालिफाई होगा और वो सेमीफाइनल खेलेगा, लेकिन दोस्तों वो तो हुए ही नहीं। मेरे हिसाब से अब जो सेमीफाइनल्स हो सकते हैं वो चार टीमों में हो गए, और चार टीम्स में आपको बता देता हूँ जो कि मुझे लगता है कि ये टीमें वो हो सकती है। देखिए दोस्तों इंडिया, क्योंकि इंडिया का फॉर्म अच्छा चल रहा है, लेकिन अफगानिस्तान के साथ अगर वो हार जाते हैं तो ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ भी वो हार सकते हैं, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और मेरे हिसाब से अफगानिस्तान जो है मेरे हिसाब से सेमीफाइनल खेलेगा, चांसेस बहुत ज्यादा है, और ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूँ दोस्तों इनका फॉर्म ही बहुत बढ़िया चल रहा है। इनके जैसा फॉर्म ना इस T20 वर्ल्ड कप में मेरे हिसाब से इंडिया, साउथ अफ्रीका का है, ऐसे मुझे और कोई टीम नहीं दिखती जिनका इनके जैसा फॉर्म है, तो मेरे हिसाब से ये जरूर क्वालिफाई होगी और साउथ अफ्रीका इनके साथ क्वालिफाई होगी सेमीफाइनल्स के लिए। और मेरे हिसाब से ये तीन टीम्स रहेगी, और दोस्तों चौथी टीम जो है मेरे हिसाब से दो में से एक हो सकती है, वो है ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड। देखिए दोस्तों इन दोनों में से एक टीम सेमीफाइनल खेलेगी, और अगर दोस्तों ऐसा होता है, क्योंकि दोस्तों मैंने जैसे कि आपको बताया कि अफगानिस्तान ऑस्ट्रेलिया इन दोनों में से एक टीम ही सेमीफाइनल खेलेगी, तो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अफगानिस्तान को जो मैच होगा वो बड़ा मैच होगा, जो वो जीतेगा वो मेरे हिसाब से सेमीफाइनल खेलेगा, आप देखते हैं। तो दोस्तों टीम इंडिया के मैचेस के बारे में बात की जाए कि टीम इंडिया कौन सी टीम के साथ मैचेस खेलेगी, तो देखिए दोस्तों 20 जून को जो है मेरे हिसाब से अफगानिस्तान के साथ मैच होगा, और ये बड़ा मैच होगा, क्योंकि दोस्तों अफगानिस्तान के साथ हारना, मुझे लगता है टीम जो है इंडिया अगर हारेगी तो अफगानिस्तान के साथ हार सकती है, क्योंकि दोस्तों उनको वीकनेस पता है टीम इंडिया के खिलाड़ियों की, क्योंकि रशीद खान को पता है कौन सा इंडिया का बैट्समैन कैसे आउट हो सकता है, देखने वाली बात होगी। लेकिन मेरे हिसाब से जो है अफगानिस्तान को तो हरा ही देगी टीम इंडिया। दोस्तों 24 जून को होगा सबसे बड़ा मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो मेरे हिसाब से यहाँ जो हमें हरा सकती है ऑस्ट्रेलिया और साथ ही साथ अफगानिस्तान, लेकिन दोस्तों इन दोनों टीम्स को अगर टीम इंडिया हरा देती है टीम इंडिया सेमीफाइनल्स खेल सकती है। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, कैसा लगा आपको वीडियो, अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, और हाँ दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।